शिव शिव विवाह महोत्सव समिति की ओर से आयोजित शिव पार्वती विवाह के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन को सुनने के लिए गुरुवार रात को पूरा शहर उमड़ आया। कवि सम्मेलन में जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास मंच पर आए तो श्रोताओं ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। उन्हें सुनने उमड़े श्रोताओं का सैलाब उमड़ आया। इस दौरान मंच मध्य रात तक मोहब्बत के मधुर गीतों से गगन गूंजता रहा। इस दौरान कुमार विश्वास ने कोई दीवाना कहता है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन से कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, भीड़ में तो घिरा हूँ मगर सच कहूँ हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं आज जी लो कल का भरोसा नहीं, पंक्तियां सुनाकर जमकर दाद बटोरी। इस दौरान उन्होंने प्रेम से जुड़े कई मुक्त सुनाए, उन्हें सुनकर पूरा पांडाल वाह वाह करने लगा। कब तक गीत सुनाऊं राधा, गीत गाकर कन्हैया की राधा से शिकायत सुनाई तो कई श्रोताओं की आंखें भर आई। कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं पर कटाक्ष किए। देश में बढ़ती महंगाई, नोटबंदी, कोरोना के साथ बाबा रामदेव के योग का जिक्र भी किया। निवाड़ के वीरों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। हास्य कवि सुरेंद्र दुबे को भी कई बार याद किया। काव्य सम्मेलन की शुरुआत योगिता चौहान ने सरस्वती वंदना से किया। इसके बाद दिनेश बावरा, अजय अंजाम, सुदीप भोला ने अपने अपने अंदाज में कविताएं सुनाकर श्रोताओं को आनंदित किया। महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि के सानिध्य में आयोजित कवि सम्मेलन में मौजूद भीड़ कुमार विश्वास को सुनने के लिए बेताब दिखाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत में संचालन सुमित सारस्वत ने किया और बाद में संचालन कुमार विश्वास ने किया। आयोजन समिति अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापति, मंत्री राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र ओस्तवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद लोढ़ा, संयोजक मनीष रांका, रामकिशोर चौहान तथा राजेश प्रजापति ने कवियों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। हजारों श्रोताओं ने मध्य रात तक काव्य रचनाओं का आनंद लिया। मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था, राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुख, उदय सिंह को तो जानते होंगे ना। मम्मी में तो मेल चला था, फीमेल बना दिया। हाँ जबरदस्त।